हिंदवी स्वराज की स्थापना के 350 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हिंदी स्वराज समारोह समिति ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 25 जून को शाम 7 बजे मुखर्जी नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक एवं उनके जीवन प्रसंगों पर आधारित महानाटक का मंचन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। समिति ने साहित्य रंगमंच एवं ललित कलाओं के लिए समर्पित अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती के मार्गदर्शन में महानाट्य का पूरा संयोजन रखा गया है। अभिव्यक्ति कला संस्थान और घुंघरू नृत्य अकादमी के 60 से अधिक कलाकारों द्वारा मुक्ताकाश में लगभग 2500 वर्ग फीट के मंच पर शिवाजी महाराज के जीवन प्रसंगों की भव्य प्रस्तुति दी जाएगी। संस्था के कलाकारों द्वारा संस्कार भारती के मार्गदर्शन में पिछले एक माह से महानाट का अभ्यास किया जा रहा है। लगभग 1.5 घंटे चलने वाले इस कार्यक्रम में दृश्य शव माध्यमों के अद्भुत संयोजन के बीच प्रभावी संवाद, गीत और नृत्यों की प्रस्तुति होगी। महानाट के आयोजन स्थल पर अभिरुचि कला संस्थान द्वारा परिसर को शिवाजी कालीन स्थापत्य का रूप दिया जा रहा है। मुक्ताकाश में मंचित होने वाले कार्यक्रम में लगभग 4000 समाजजन उपस्थित रहेंगे। क्या तैयारी हुई? इसी माह के 25 जून को शाम को 7 बजे से नाटक हमारे देवास की जनता के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। नाटक की प्रस्तुतिकरण की सारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। उस समय की वेशभूषा, उस समय का वातावरण, उस समय का रहन सहन, जिस प्रकार का समाज का वातावरण था, उस प्रकार का ही स्टेज और अन्य सब ड्रेपरी वगैरह निर्माण करके अति सुंदर भव्य नाटक ऐसा जानता राजा जो विश्व का सबसे बड़ा नाटक था उसी पैटर्न पे हम नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कितने कलाकार हैं इसमें? करीब 100 से अधिक कलाकार इसमें अभी काम करेंगे। अच्छा, कलाकार कहाँ कहाँ से आए इसमें? अधिकतम कलाकार देवास के हैं, परंतु कुछ कलाकार देवास के बाहर के भी आए। इस नाटक की तैयारी करने में कितना समय लगा? लगभग 3 महीने पूर्ण हो चुके हैं, अभी भी तैयारी चल। अगर बारिश होती तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अगर बारिश आ गई तो हमने हमारी मानसिकता बना के रखी है कि हम अगले दिन 26 जून को एक कार्यक्रम उसी समय पर करेंगे, शाम को एक्सटेंड कर देंगे एक दिन। अच्छा, ये जो महानाट्य हो रहा है इस तरह का बिना नाटक हुआ है देवास में, ये पहला है? नहीं, इतना बड़ा नाटक अभी देवास में नहीं हुआ है, पहली बार इतना बड़ा नाटक हुआ।